दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जंकुक बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं। वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि कभी कभी तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखते, और दोस्तों जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप जंकुक से प्यार करते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों, कई बार मेंबर्स ने और जंकुक ने खुद ये बात बताई है कि वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगा देते हैं। और दोस्तों, मेंबर्स भी इस बात से सहमत है कि जंकुक हर बात में अपने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं ताकि कोई भी कमी ना रह जाए, क्योंकि जंकुक को ऐसा लगता है कि उनकी वजह से बाकी मेंबर्स को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ BTS के विंग्स टूर में, जब BTS चाइल्ड गए थे। दोस्तों, असल में वहां पर एक न्यूज़ आई थी जिसमें बताया गया था कि जंकुक अचानक से बेहोश हो गए थे। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हालांकि उस समय जंकुक के बेहोश होने का कारण किसी को भी रिवील नहीं किया गया था। दोस्तों, यहां तक कि उस समय फैंस को पता भी नहीं था कि जंकुक बैक स्टेज जाकर बेहोश हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद जब BTS की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसका नाम था बर्न द स्टेज, दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्री में BTS के मेंबर्स ने अपनी जर्नी के बारे में बातें करी थी। और दोस्तों, BTS ने अपने हैप्पी और सैड मोमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था और अपनी बातें रिवील करी थी। दोस्तों, जहां पर जंकुक ने खुद ये बात रिवील करी कि वो बैक स्टेज जाकर बेहोश हो गए थे। दोस्तों, असल में जंकुक ने ये बोला कि उन्हें खुद भी नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा। दोस्तों, जंकुक ने बताया कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया था जिसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। उन्होंने उस हद तक काम कर लिया जिसके बाद उनकी बॉडी काम को झेलने की पोजीशन में ही नहीं थी। और दोस्तों, इसीलिए जंकुक जैसे ही परफॉर्मेंस के बाद बैक स्टेज गए, अचानक से उनकी सांस फूलने लगी और वो बेहोश होने लग गए थे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे BTS से जुड़े प्रोडक्ट्स हैं जो आपके लिए हमने मैन्युअली सिलेक्ट करके रखे हैं। दोस्तों, इसके सिवा जब RM ने इस बारे में बात करी तो उन्होंने ये भी बोला था कि उस दिन वहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और जंकुक ने बहुत ही ज़्यादा ओवरवर्क कर लिया था और इसीलिए वो बेहोश हो गए। हालांकि ये कोई मेंटल इशू नहीं था, इसीलिए RM थोड़े रिलैक्स थे। लेकिन दोस्तों, RM इस बात से टेंशन में थे कि जंकुक का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है और अगर जंकुक ठीक नहीं हुए तो शो में कैसे मैनेज हो पाएगा। दोस्तों, असल में RM की मेन टेंशन ये थी कि उसी समय BTS ने ग्रो करना शुरू किया था, और दोस्तों ऐसे में RM ग्रुप के लीडर हैं और उन्हें ग्रुप को रिप्रेजेंट भी करना था, और वो खुद भी छोटे ही थे, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर वो इस सिचुएशन को कैसे फेस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, फाइनली जंकुक थोड़े रिकवर हो गए थे और RM ने उनसे पूछा कि क्या वो परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं, जिस पर जंकुक ने बोला कि वो परफॉर्म ज़रूर करेंगे। दोस्तों, बाकी मेंबर्स ने भी बताया कि वो जंकुक को इस तरह से देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। दोस्तों, जेहोप ने बोला कि उन्होंने कभी भी इस तरह से पहले जंकुक को बेहोश होते हुए नहीं देखा है, क्योंकि जब भी हम जंकुक को देखते हैं वो हमेशा एनर्जेटिक ही दिखाई देते हैं। पता नहीं लगता कि उनके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। दोस्तों, शुगा ने भी बोला कि उन्होंने जब जंकुक को इस तरह देखा तो उनका दिल टूट गया, क्योंकि दोस्तों जंकुक उस वक्त काफ़ी छोटे थे और इस तरह बेहोश होने के बाद जब शुगा ने उन्हें देखा तो शुगा को रोना आ गया। दोस्तों, जंकुक की हेल्थ सही नहीं थी, फिर भी उन्होंने बताया कि उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखेंगे। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वो बहुत समय बाद ये वर्ल्ड टूर कर रहे थे और दोस्तों उन्हें नहीं पता था कि वो वापस से चाइल्ड के फैन से कब मिल पाएंगे। और दोस्तों, इसीलिए जंकुक ने डिसाइड किया कि वो अपनी आर्मी के लिए परफॉर्म करेंगे। हालांकि दोस्तों, उसके बाद जंकुक काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो चुके थे और फिर से उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ों को नहीं झेलना पड़ा। तो आर्मी, अगर आप जंकुक से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को हर आर्मी तक ज़रूर पहुंचा दें, और अगर आप एंड तक हमारे साथ बने हुए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।